hello students today our topic is python programming and in this lecture we are going to discuss about loops so what is loop basically uh, if we want to execute a particular statement more than one time then we use a loop so we can uh, say that in simple words if we want to execute a particular statement or a group of statement that is called also called as a block um, for a particular number of time then it is not necessary to write them um, more than one time you can use loop and using loop it is very easy to execute those statement more than one times okay so basically there are two types of loops in python programming these are for loop and while loop in today's lecture we are going to discuss about only for loop so the for loop in python the for loop in python is used to iterate over a sequence and what is the meaning of sequence? Sequence is a list, it may be tuple or it may be string or other iterable object so iterating over a sequence is called a traversal तो लूप क्या है और लूप की ज़रूरत क्यों होती है हमें देखिए कभी ऐसा होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हमें एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि हम उनको बार बार लिखें ठीक है कोई कंपल्सरी नहीं है कर सकते हैं लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है उसका शॉर्टकट यह है कि हम लूप यूज़ करें तो लूप में हम एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं देते हैं एक एंडिंग पॉइंट या चेकिंग कंडीशन और एक स्टेप वैल्यू यह बताना है कि जंप कितना करना है तो ये थ्री वैल्यूज़ देते हैं लूप के अंदर ये थ्री मेन और असेंशियल कंडीशन होती है किसी भी लूप को रन कराने के लिए तो लूप जब हम वर्क करते हैं तो किसी सीक्वेंस पर वर्क करता है जैसे लिस्ट है टपल है स्टिंग ये सब सीक्वेंस है सीक्वेंस का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होते हैं वन आफ्टर एनिदर हमें ये पता होता है कि अगर एक एलिमेंट उसका है तो उसकी पर्टिकुलर एक पोजिशन है इंडेक्स नंबर है तो अगला एलिमेंट उसके नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पर आएगा ठीक है तो ये सीक्वेंस की खास बात होती है तो ये लिस्ट टपल स्टिंग ये सभी सीक्वेंस है तो आज हम देखेंगे कि फॉल्ट लूप किस तरीके से वर्क करता है लूप बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं एक होता है फॉर लूप और एक होता है आपका वाइल लूप दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लूप फॉर लूप एंड वाइल लूप और ये दोनों लूप बेसिकली ये जो फॉर और वाइल ये की वर्ड भी हैं तो आप इसको एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते और याद रखिएगा कि पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम अगर हमें एग्जीक्यूट करना है ठीक है तो जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट ओवर ए सीक्वेंस अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम फॉर लूप पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे तो इसका सीक्वें तो इसका सिंटेक्स क्या है तो सिंटेक्स इसका ये है सबसे आज हम सिर्फ फॉर लूप की बात करेंगे तो अगर आपको लूप को रन कराना है तो पहले आप फॉर लिखें फॉर के बाद वेरिएबल का नेम लिखें फिर तो उसके बाद इन और उसके बाद जो भी सीक्वेंस है जिसमें आपको वैल्यू सर्च करनी है उसके नेम लिखेंगे उसके बाद स्पेस दिन उसके बाद कॉल उनका साइन और पाइथन प्रोग्रामिंग में जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आप इंटर कर जाएंगे देखिए यहाँ स्पेस है और स्पेस का सिंपल मीनिंग इतना है कि यहाँ पर जो भी कुछ है ये सभी फॉर लूप से अटैच है तो जो भी स्टेटमेंट है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो सभी डिपेंड करते हैं लूप लूप की चेकिंग कंडीशन पर चेकिंग कंडीशन अगर ठीक होगी जैसे मैंने बताया कि थ्री कंडीशन होती हैं स्टार्ट कंडीशन चेकिंग कंडीशन कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा और स्टेप वैल्यू कि लूप में नेक्स्ट वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो ये आपका लूप uh, का सिंटेक्स है अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू और सही समझ में आ जाएगा ये ठीक है लेकिन उससे पहले एक और हम समझते हैं इसका थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू हमको और क्लियर हो जाएगा कि लूप किस तरीके से वर्क करता है तो जो भी लूप जिस आइटम के लिए भी सर्च कर रहा है सीक्वेंस के पहले वो वैली होगी फॉर एग्जाम्पल आई जिकल टू वन है यहाँ पर तो आई जिकल टू वन के लिए लूप चलेगा ठीक है और ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पर ऑब्वियसली जब कंडीशन चेक होगी तो, तो ही ऑप्शन है कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी या जो भी लास्ट एलिमेंट है जहाँ तक हमें लूप चलाना है सीक्वेंस के, वो यहाँ तक या तो हम पहुँच जाएंगे नहीं पहुँचेंगे दो ही कंडीशन है अगर वो लास्ट एलिमेंट सीक्वेंस के मान लीजिए ये एक लिस्ट है लिस्ट के ये एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो अभी देखिए जब आप लूप को रन कराते हैं तो अगर हम सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सीक्वेंस की सभी वैल्यू के लिए वो रन करता है और अगर हम चेकिंग कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें रेंज फंक्शन का यूज़ करना होता है वो भी हम आगे बताएंगे लेकिन अभी सिंपल 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 वर्ड्स में अभी आप ऐसे समझिए अगर हम इन वैल्यूज़ के लिए लूप लूपर्ण करा रहे हैं तो लूप आई जीगल टू वन के लिए चलेगा और आई जीगल टू फाइव तक के लिए चलेगा ठीक और जैसे हम जा रहे हैं इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है इंक्रीमेंट ऑब्वियसली वन से लेकर टू टू से थ्री तो टू माइनस वन कितना होगा वन थ्री माइनस टू कितना होगा वन तो इसका वैल्यू क्या है वन तो वन से स्टार्ट होगा फाइव तक जाएगा तो जैसे ही ये फाइव वैल्यू रीच हो जाएगी या जिसे हम कहेंगे चेकिंग कंडीशन ये है कि अनटिल लास्ट एलिमेंट ऑफ द लूप इज़ नॉट अचीव्ड तो जैसे ही लास्ट एलिमेंट हमको मिल जाएगा उसके बाद लूप नहीं चलेगा तब तक लूप चलेगा और जो भी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर स्टेटमेंट होंगे वो रन करेंगे और अगर ऐसा हो होगा हम लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाएंगे तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा जब तक हम लास्ट uh, एलिमेंट नहीं मिल करेंगे तब तक बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये देखिए वेट ए मिनट थोड़ा सा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है uh, यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है लास्ट एलिमेंट रीच और नॉट अगर रीच नहीं है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा और वापस बाउंस बैक करेंगे हम मेन लूप पर दोबारा से देखेंगे कि लास्ट एलिमेंट मिला है नहीं मिला है इट मीन्स लूप नेक्स्ट वैल्यू के लिए रन होगा और अगर ये आपका कंडीशन लास्ट एलिमेंट आपको मिल गया है तो हम या चेकिंग कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है तो हम क्या करेंगे लूप से बाहर आ जाएंगे ठीक तो ये रहता है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है रेंज फंक्शन अभी रेंज फंक्शन क्या है रेंज फंक्शन जैसा कि इसका नेम बता रहा है पहले तो फंक्शन समझ लीजिए तो रेंज एक फंक्शन है और फंक्शन की पहचान होती है कि फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस का साइन होता है इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं जिसको हम पैरामीटर वैल्यू बोलते हैं और रेंज फंक्शन में हम थ्री पैरामीटर्स वैल्यू पास करते हैं इसके अंदर तो ये बिल्टिन फंक्शन है बिल्टिन फंक्शन का मतलब वो फंक्शन है जो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से प्री डिसाइडेड है पहले से इनका मीनिंग तय है फिक्स है कि ये ये पर्टिकुलर काम को करेंगे फंक्शन को बनाया भी जा सकता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो जिन्हें यूरिथर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं तो यहाँ एक रेंज एक फंक्शन है और रेंज फंक्शन के अंदर थ्री पैरामीटर वैल्यू हम पास करते हैं यानी इसके अंदर हम थ्री वैल्यूज दे सकते हैं और हमें ये बताना पड़ता है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है तो स्टार्ट पोजिशन एंड पोजिशन और थर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ठीक है जैसे ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि जब हम एक वेटे मिनट देखिए तो हम देंगे कि स्टार्ट पोजीशन मैंने मान लीजिए स्टार्ट पोजीशन वन दी एंड पोजीशन एलेवन दी इंक्रीमेंट वन दिया तो इसका मीनिंग एलिमेंट्स जो वैल्यू सेलेक्ट होंगी इसके अंदर वो पहली वैल्यू होगी वन दूसरी होगी टू थर्ड होगी थ्री और लास्ट वैल्यू होगी टेन ऐसा क्यों क्योंकि वन से स्टार्ट होना था वन वन का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि यहाँ स्टेप वैल्यू वन दे रखा है तो इसलिए वन का इंक्रीमेंट होगा वन के बाद टू आएगा टू के बाद थ्री आएगा थ्री के बाद फोर आएगा और ये टेन तक जाएगा इसका मतलब एलेवन तो यहाँ आया नहीं जबकि इलेवन आना चाहिए एक्चुअली ये जो वैल्यू होती है ये एंड वैल्यू होती है एंड प्लस वन वैल्यू होती है तो हमेशा यहाँ जो जब अगर हमें टेन पेंट करना है तो हम एक ज़्यादा लेते हैं उसे अलेवेन लेते हैं अगर हमें इलेवन पेंट करना है तो हम ट्वेल्व लेंगे तो ये वैल्यू एंड प्लस वन को रिप्रेजेंट करती है ये याद रखिएगा ठीक है तो जितना जितनी बार आपको रेंज फंक्शन के थ्रू आपको परफॉर्म करना है तो ये याद रखिएगा आपको ए वन एक वैल्यू ज़्यादा लेनी होगी दूसरी बात ये है इसके अंदर और बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आ, अगर हम स्टार्ट वैल्यू नहीं दें जैसे इस केस में मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ ओनली यहाँ लिखता हूँ मैंने इलेवन लिखा ना तो मैंने स्टार्ट वैल्यू दी नहीं मैंने एंड वैल्यू दी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड वैल्यू होती है वो सॉरी जो स्टेप वैल्यू होती है वो वन होती है ठीक है तब इस केस में काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगी और ये जाएंगे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट एलिमेंट कितना आएगा लास्ट वाली एलिमेंट आएगा यहाँ पर टेन ठीक है ठीक और इसी तरीके से अगर हम ये लिखें यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा मैंने वन कॉमा एलेवन कॉमा थ्री लिखा चलिए इसका मीनिंग बताइए क्या होगा वन से स्टार्ट होगा थ्री का इंक्रीमेंट होगा तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर फोर के बाद सेवन सेवन के बाद टेन तो ये एलिमेंट रेंज के ये एलिमेंट्स होंगे आपके आई थिंक रेंज समझ में आ गया होगा आपको तो रेंज एक फंक्शन है फंक्शन की पहचान मैं सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ आपको क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन चूंकि ये सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट में है आपके टेंथ क्लास में तो आपको उतना तो ही समझना है कि आप आसानी से प्रोग्राम बना सकें लूप के फंक्शनलिटी को और लूप uh, में को जब हम यूज़ करते हैं तो या तो हम सीक्वेंस का यूज़ करते हैं या रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं तो सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं जैसे लिस्ट यूज़ कर रहे हैं लिस्ट की लिस्ट क्या है लिस्ट एक सीक्वेंस है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है ऑर्डर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो एक तो मेथड ये है दूसरा ये है कि हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं रेंज फंक्शन में हम एलिमेंट्स को लिखते नहीं बल्कि उसकी स्टार्ट पॉइंट उसका एंड पॉइंट और कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं ये सिर्फ मैंशन कर देते हैं तो लूप को दो तरीके से रन कराया जा सकता है ये अलग बात है कि हमेशा जब भी लूप रन होगा तो हमको स्टार्ट एंड पॉइंट और स्टेप वैल्यू को मैंशन करना पड़ेगा ठीक है तो ये आपका हो गया अभी चलिए आगे देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अब आपको ये प्रोग्राम आ जाएगा अब ये आपका प्रैक्टिकल फाइल का भी प्रोग्राम है ये आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं नेचुरल नंबर सभी आप जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जिसमें हम काउंटिंग करते हैं जो हमारी रियल लाइफ में यूज होते हैं ठीक है नेचुरल नंबर होते हैं तो वन से स्टार्ट होते हैं या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं तो अभी आपको प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि आपसे ये कहा जाए कि आपको फर्स्ट टैंड नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं तो ये प्रिंट हो जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ तक प्रिंट हो जाए ठीक है आपसे कहा जाए फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाए तो ये हंड्रेड तक प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से एक प्रोग्राम है तो पहली बात तो जो है यहाँ फिक्स नहीं है वो ये नहीं फिक्स नहीं है कि ये हमें कहाँ तक प्रिंट करना है नेचुरल नंबर ठीक है टेन प्रिंट करना है या हंड्रेड प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं हम एक इनपुट करा लेते हैं हम यहाँ पर एक इनपुट करा लेंगे तो इनपुट के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया नम और यहाँ इनपुट करा दिया ऑब्वियसली ये हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर होते हैं एंटीरियर टाइप होते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इंट इनपुट कराने के लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और हमने एक मैसेज पास कर दिया इनपुट एनी नंबर ये वो नंबर है जहाँ तक हम नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना चाह रहे हैं क्लियर okay? तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले स्क्रीन पर ये मैसेज लिखा हुआ आएगा एंटर एनी नंबर जब ये मैसेज लिखा हुआ आएगा तो हम एक नंबर पुट करेंगे यहाँ पर और जो भी नंबर होगा उस नंबर तक सभी नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पर ये हमारा टारगेट एफन है यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट भी, भी करा दिया और मैसेज प्रिंट ये कराया है कि फर्स्ट मान लीजिए हंड्रेड नेचुरल नंबर्स अगर एन की वैल्यू नम की वैल्यू हंड्रेड है तो फर्स्ट हंड्रेड नंबर्स ये लिखा हुआ आ जाए तो देखिए जब हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने में जो भी कुछ हम डबल कोर्ट्स के अंदर लिखते हैं वो स्टिंग होती है तो वो तो एज एट इज प्रिंट हो जाती है और जो वेरिएबल लिखते हैं वो कॉमा लगा के हम सेपरेट कर देते हैं ठीक है स्टिंग को भी अगर सेपरेट करना है तो कॉमा लगाएंगे स्टिंग और वेरिएबल तो को सेपरेट करना है तो भी कॉमा लगाएंगे वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट करना है तो भी कॉमा लगाएंगे लेकिन जब डबल स्टिंग लिखेंगे जब कोई सॉरी स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसे हमेशा डबल कोर्ट्स के अंदर लिखेंगे तो देखिए यहाँ लिखा मेरा प्रिंट फर्स्ट तो चूंकि एक स्टिंग है तो ये एज एट इज़ प्रिंट हो जाएगी एज एट इज़ ये जानते हो आप इतना तो पाइथन पढ़ चुके हो आप फिर इसके बाद हमने लगाया कॉमा कॉमा के बाद लिखा नम नम क्या है एक वेरिएबल का नेम तो जो भी नम की वेरिएबल वैल्यू होगी जो भी हम इनपुट कराएंगे वो टेन होगी हंड्रेड होगी वो यहाँ आ जाएगी ठीक और उसके बाद कॉमा लगाया क्योंकि हमें सेपरेट करना है एक स्ट्रिंग और लिखनी है तो ये नेचुरल नंबर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल नम की वैल्यू अगर टेन हमने लिखी ठीक है क्योंकि जो हमने इनपुट के टाइम पर जो हमने मेंशन की तो वो मैं वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो लिखा आएगा फर्स्ट टैन नेचुरल नंबर तो ये तो इनपुट किया हमने यहाँ हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया अभी तो लुक का कुछ यूज़ नहीं है अब लुक को कैसे यूज़ करते हैं ये समझ लीजिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर ठीक है फिर एक वेरवेल का नाम लेंगे ए ये वेरवेल ज़रूरी होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि लुक कितनी ये एक्चुअली स्टार्ट पोजिशन और एंड पोजिशन को मैंशन करने के लिए हमें एक वेरवेल लेना पड़ेगा ठीक है तो वो वेरवल हमने ए ले लिया आप कुछ और भी ले सकते हो आई जे के न आप कुछ भी ले सकते हो उसमें कोई वेरवल जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हो आइडेंटिफायर कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें फिर हम लिखेंगे इन ठीक है ये एक की है ये एक्चुअली सेलेक्ट करता है एक सीक्वेंस के अंदर इन के इसके अंदर है या नहीं ठीक उसके बाद हम फंक्शन लिखते हैं फंक्शन का नाम है रेंज अभी रेंज मैंने आपको बताया ही था तो ए की वैल्यू इसके रेंज के अंदर सर्च करेगा ठीक है रेंज का अब स्टार्ट पॉइंट क्या दे दिया हमने स्टार्ट पॉइंट दे दिया वन तो पहली वे जो ए की वैल्यू होगी वन होगी तो लूप सबसे पहले वन के लिए चलेगा अब लूप कहाँ तक चलेगा तो हमने दे दिया नम प्लस वन हमें नम तक चलाना है पर्टिकुलर नंबर तक चलाना है तो हम उसे एक ज़्यादा लेंगे ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आई थिंक अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको तो हम यहाँ नम प्लस वन लेंगे तो हमने लिखा यहाँ पर नम प्लस वन ठीक तो वन के लिए चलेगा टू के लिए चलेगा थ्री के लिए चलेगा फाइनली नम के लिए चलेगा तो कितने का इंक्रीमेंट चाहिए एक एक का चाहिए वन वन का चाहिए तो हम यहाँ वन लिख देंगे नहीं भी लिखेंगे तो भी बाई डिफ़ॉल्ट तो हम जानते हैं कि वन का ही इंक्रीमेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पर तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ हो गया ठीक है और इसके बाद कॉलन का साइन लगता है एल्स में भी लगाते थे हम यहाँ भी लगाइए कॉलन का साइन लगे लगेगा ये इसका सेंटेक्स है और ये स्पेस देने के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो सभी उसकी लूप का हम से कहेंगे बॉडी होगी या पार्ट ऑफ द लूप होगा वो तो वो सभी इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे तो सबसे पहले जो लूप चलेगा वो ए इजिकल टू वन के लिए चलेगा क्लियर तो ए इजिकल टू वन के लिए चलेगा तो हम लूप के अंदर आ गए क्योंकि कंडीशन कब तक चलेगा जब तक कि ए की वैल्यू मान लीजिए नम की वैल्यू टेन है ए इज इक्ल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ये वैल्यू लूप चलेगा इन सभी वैल्यूज़ के लिए तो पहले तो वन के लिए चलेगा देखिएगा ये ये वैल्यू आपकी टेन तो नहीं है क्योंकि मैंने बताया था जो लूप चलता है आपका रन होगा तो चेकिंग कंडीशन जो भी दे रखी होगी और चेकिंग कंडीशन क्या है लास्ट वैल्यू तो नहीं है लास्ट वैल्यू क्या है नम प्लस वन तो यहाँ तो नहीं पहुँच गए अभी हम तो अभी तो यहाँ नहीं है अभी तो फर्स्ट है तो वन आपका टेन से लेस है अभी टेन पर नहीं पहुँचे अभी हम कंडीशन ट्रू है जैसे कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन हो जाएगा तो यहाँ तो एक की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो वन प्रिंट हो जाएगा उसके बाद एंड दे रखा है इसका क्या मतलब है देखिए जब कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट दिया जाता है तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमेशा जितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा वो एक नेक्स्ट लाइन लेगा लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि लाइन चेंज ना हो सेम लाइन के अंदर वैल्यू प्रिंट हो तो आप एंड लिखिए एंड के बाद इसको वैल्यू दे दीजिए आप सेपरेट किससे करना चाह रहे हैं इसको सेपरेटर बोलते हैं ठीक है थीके? तो हम स्पेस से सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सिंगल कोड के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा नथिंग ओनली स्पेस मैंशन कर दिया तो होगा क्या कि वन प्रिंट होगा और वन के बाद जब नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी तो वो आपका स्पेस देने के बाद प्रिंट होगी अगर मैं इसको नहीं लिखूँगा तो वन के बाद स्पेस देने के बाद वैल्यू प्रिंट नहीं होगी वन के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर वैल्यू प्रिंट होगी ठीक है तो ये आपकी मर्जी है आपकी चॉइस है कि आप सिंगल लाइन के अंदर वैल्यू एलिमेंट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं स्पेस के साथ या लाइन चेंज करके प्रिंट कराना चाह रहे हैं लाइन चेंज करके प्रिंट कराना चाहें तो खाली प्रिंट ये लिख दीजिए और अगर स्पेस के साथ प्रिंट कराना चाह तो एंड इक्वल टू स्पेस लिख दीजिए तो स्पेस से सेपरेट हो जाएगा इसको सेपरेट है बोलते हैं तो चलिए वन प्रिंट हो जाएगा यहाँ जब ये वन प्रिंट हो जाएगा तो फिर वैल्यू में फिर ये इंक्रीमेंट वाला रोल अपना प्ले करेगा इंक्रीमेंट कितने का वन का तो अब इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी टू टू हो जाएगी ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और फिर ये चेक करेगा नम प्लस वन से तो अभी नम प्लस वन पर नहीं पहुंचे तो फिर अभी ये लूप टू के लिए चलेगा ऑब्वियसली टू प्रिंट हो जाएगा फिर टू में वन ऐड हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा तो थ्री प्रिंट करेगा फिर फोर हो जाएगा तो फोर प्रिंट करेगा फिर फाइव प्रिंट करेगा फिर सिक्स प्रिंट करेगा और सेम लाइन के अंदर सेवन एट नाइन लास्ट में टेन प्रिंट करेगा जब वैल्यू इलेवन हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और चूंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमें रन कराना कराता कराना टेन तक जैसे ही हम इलेवन पर जाएंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप के हम बाहर आ जाएंगे और बाहर कोई स्टेटमेंट वेट नहीं कर रहा था जिसको एग्जीक्यूट होना है तो यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाएगी इसकी तो ये सभी नंबर प्रिंट हो जाएंगे देखिए नीचे आउटपुट भी दे रखा है सबसे पहले मैसेज लिखा हुआ है एंटर एनी नंबर हमने दे दिया टेन आप कुछ भी दे सकते हैं आप अगर हंड्रेड देंगे तो हंड्रेड तक प्रिंट होगा तो फिर इसके बाद ही प्रिंट स्टेटमेंट था ये अपना रोल प्ले करेगा फर्स्ट टैन नेचुरल नंबर टेन क्यों लिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने वेरेबिल लिखा है जो भी यहाँ वेरेबल होगा वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर हमने वेरेबिल की वैल्यू को प्रिंट कराया है तो वेरेबिल जो भी आप यहाँ पर इनपुट के टाइम पर वैल्यू दोगे तो वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी तो हमने टेन दिया था तो टेन यहाँ पर शो कर रहा है फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर उसके बाद फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर शो कर देंगे शो हो जाएंगे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था ये बताने के लिए कि नेचुरल नंबर को किस तरीके से प्रिंट कराया जाता है क्लियर चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक पॉइंट दो तीन पॉइंट दोबारा से बता देता हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको क्योंकि लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो है ही यहाँ तक प्रोग्रामिंग की बात करें ज़्यादा स्टूडेंट मैक्सिमम लूप में प्रॉब्लम फील करते हैं तो ये सिंपल सा सिंटेक्स इसको ऐसे याद रखिए मैक्सिमम प्रोग्राम जो लूप के बनते हैं खासतौर से फॉर लूप के जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं फॉर लिखते हैं उसके बाद एक वेरिएबल का नीम लिखते हैं उसके बाद इन लिखते हैं जिसके अंदर जो हमें बताएगा कि हमें किसके अंदर सर्च करना है सर्च करना है इस रेंज के अंदर रेंज लिखेंगे तो स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे एंड प्लस वन वैल्यू लिखेंगे क्योंकि रेंज ये जो वैल्यू लूप रन करेगा ये आपका रन करेगा एंड uh, तक रन कराना है तो हम हमेशा एंड प्लस वन लेंगे अगर हम यहाँ नम तक रन कराना है तो हम इसे नम प्लस वन देखेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू जिसे हम स्टेप बोलते हैं ठीक है ये हो जाएगा आपका और फिर इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट तो हमने लिखा प्रिंट ए ए को प्रिंट कराना था नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना था तो जो भी ए की वैल्यू होगी ए की वैल्यू हम जानते हैं ए की वैल्यू पहले वन होगी फिर टू होगी फिर थ्री हो होगी लास्ट वैल्यू टेन होगी अगर टेन तक टेन नम की वैल्यू है तो टेन तक सभी नंबर प्रिंट हो जाएंगे Okay. चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं थोड़ा सा ये देखिए प्रोग्राम अभी हमें क्या करना है अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और एक नया प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं पड़ा आपको कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी और आपको एक नया कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा एक नया प्रोग्राम और बन जाएगा देखिए अभी हमको ई नंबर्स प्रिंट करने हैं अभी एक क्या प्रिंट किया हमने नेचुरल नंबर अब क्या प्रिंट करना है ई नंबर लेकिन ई नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव ई नंबर टू से स्टार्ट होते हैं तो टू हो फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी ये होते हैं तो अभी क्या था जब हम नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहे थे तो वन का डिफरेंस था लेकिन ई नंबर प्रिंट करेंगे तो टू का डिफरेंस है ठीक है तो अभी जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो पिछली बार की तरह प्रिंट तो हमें वही कराना है तो जहाँ तक नम की और प्रिंट स्टेटमेंट की बात है वो तो अनचेंज रहेगी उसमें कुछ चेंज नहीं करना मैसेज चेंज कर देना है जैसे यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना है पॉजिटिव ईवीन नंबर ठीक है फर्स्ट टेन या फर्स्ट ट्वेंटी पॉजिटिव इवीन नंबर तो वह मैसेज चेंज, चेंज कर देंगे बाकी अनचेंज रहेगा मतलब सिंटेक्स सही रहेगा कि एक नंबर को इनपुट कराना है हमें एन टाइप के और एक प्रिंट स्टेटमेंट देना है ठीक अब लूप चलाएंगे तो लूप में अब हमें कंडीशन सोचनी पड़ेगी देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर कौन सा होता है पॉजिटिव टू होता है तो टू होता है तो पहले टू प्रिंट होना चाहिए क्योंकि पहले टू प्रिंट होना चाहिए इसलिए स्टार्ट वैल्यू हम टू देंगे ना कि वन देंगे पिछली बार वन से प्रिंट कराना था नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं तो वन लिखा था लेकिन अभी हमें इवन नंबर प्रिंट कराना है तो हम टू से स्टार्ट करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर टू मैंशन कर दिया नम प्लस वन तक प्रिंट कराना ये अनचेंज रहेगा क्योंकि फर्स्ट आपको जहाँ तक आपको नंबर चाहिए जिस रेंज तक आपको नंबर चाहिए मतलब आपको ये चाहिए कि ट्वेंटी तक कितने इवन नंबर आते हैं थोड़ी सी यहाँ लैंग्वेज गलत है प्रोग्राम का मकसद ये है कि ट्वेंटी तक जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो आप ट्वेंटी तक जितने ई नंबर आते हैं वो प्रिंट हो जाए तो ट्वेंटी तक अगर हम ई नंबर प्रिंट कराएंगे तो कौन कौन से होंगे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एट्टीन ट्वेंटी तो नहीं आएगा ट्वेंटी लाने के लिए आपको ट्वेंटी प्लस वन लिखना पड़ेगा क्लियर तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा नम प्लस वन अच्छा अब नेक्स्ट आप अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो टू के बाद थ्री प्रिंट होगा क्योंकि इस्टे वैल्यू बाय डिफॉल्ट वन होती है पिछली बार तो हमने वन दिया था मेंशन भी की थी लेकिन इस बार हम वन नहीं मेंशन करेंगे हम ये जानते हैं कि टू के बाद अगर मुझे नेक्स्ट इवन नंबर चाहिए तो टू में टू ऐड करना पड़ेगा इसलिए इंक्रीमेंट वैल्यू को मैं यहाँ टू लिखूंगा ना कि वन तो पिछली बार प्रोग्राम में सिर्फ इतना चेंज किया है यहाँ टू लिखा है और यहाँ टू लिखा है क्योंकि टू से स्टार्ट करना है और टू का ही इंक्रीमेंट करना है तो हमें नेचुरल नंबर मिल जाएंगे पर्टिकुलर एक गिविन नंबर तक ठीक है ये फर्स्ट ये यहाँ फर्स्ट ना लिखें यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखें हम तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अप टू दिस नंबर ठीक है जैसे हम अप टू ट्वेंटी सभी नेचुरल नंबर को सभी ईविन नंबर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगे बाकी प्रोग्राम अनचेंज है तो सबसे पहले लूप टू के लिए चलेगा टू के बाद फोर के लिए चलेगा फ़ोर के बाद सिक्स के लिए चलेगा सिक्स के बाद एट के लिए चलेगा एट के बाद टेन के लिए चलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर एंटर आई नंबर टेन लिखें तो टेन तक जितने भी ई वी नंबर्स हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे क्यों प्रिंट हो जाएंगे टेन तक क्योंकि यहाँ हम नम प्लस वन के लिए रन करा रहे हैं इसको नम के लिए नहीं तो टेन तक जितने भी आपके ई नंबर्स होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने क्या किया हमने इसमें ये किया कि जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था उसके अंदर हमने स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर दिया और इंक्रीमेंट वैल्यू को चेंज कर दिया हमने स्टार्ट वैल्यू को वन से हटा के टू कर दिया और इंक्रीमेंट को वन से हटा के चेंज करके टू कर दिया तो होगा क्या कि टू से तो प्रिंटिंग स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी जाएगी जहाँ तक हम चाहते हैं जो भी हमने लिमिट डिसाइड की है नम के थ्रू वहाँ तक ठीक है और चूँकि टू टू का इंक्रीमेंट होगा तो सभी जो जैसे टू में अगर टू का इंक्रीमेंट होगा तो क्या मिलेगा फोर मिलेगा फोर में टू का इंक्रीमेंट होगा तो क्या मिलेगा सिक्स मिलेगा सिक्स में टू का इंक्रीमेंट होगा तो क्या मिलेगा एट मिलेगा तो इस तरीके से ई वी नंबर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था अगर तो लास्ट प्रोग्राम आपको समझ में आ गया तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको ये आपके प्रोग्राम हो जाएंगे ठीक है अप अप टू ए सर्टेन गविन नंबर जो भी एक नंबर है वहाँ तक आप जितने भी इवन नंबर प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो सभी नंबर प्रिंट हो जाएंगे नम प्लस वन को हम एज यूजर लिखेंगे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं देखिए आपको लूप जहाँ तक चलाना है उसे आप हमेशा एक वैल्यू ज़्यादा लीजिए क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती ठीक है अगर हम नम प्लस वन लिख रहे हैं तो नम प्लस वन इंक्लूड नहीं होगी इसका मतलब लास्ट वैल्यू नम होगी अगर हम टेन तक लूप चलाना चाह रहे हैं तो हम इलेवन लिखेंगे अलेवन तक चलाना चाह रहे हैं तो हम ट्वेल्व लिखेंगे एक वैल्यू ज़्यादा लेते हैं हमें नम तक चलाना था तो इसलिए हमने यहाँ पर लूप को नम प्लस वन लिखा है बाकी फंक्शन फंक्शनलिटी इसकी वही रहेगी सेम रहेगी तो पहले लूप टू के लिए चलेगा स्टेटमेंट प्रिंट होगा टू पर टू का इंक्रीमेंट होगा फिर रन होगा स्टेटमेंट फिर फोर में टू का इंक्रीमेंट होगा और जब तक होता रहेगा प्रोसेस जब तक कि हम इस वैल्यू तक ना पहुँच जाए लास्ट वैल्यू तक ना पहुँच जाए क्योंकि तीन कंडीशन होती है स्टार्ट कंडीशन चेकिंग कंडीशन या लास्ट लास्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ये दे रखा है थ्री पैरामीटर्स दे रखे होते हैं और एक बात हो कि अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं स्टार्ट वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है ठीक है और एंड वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट वन होती है तो कोशिश कीजिएगा मैंशन करने की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मत लीजिएगा लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट अगर आप मैंशन नहीं भी करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपना रोल प्ले करेंगे इस टाइम पर चलिए अभी देखिए अभी आपने ये सीख लिया कि, कि किस तरीके से ई नंबर को प्रिंट किया जा सकता है अभी इसमें अगर हमको ये करना है कि हमें ऑड नंबर प्रिंट करना है तो हमें क्या करना होगा तो ऑड नंबर प्रिंट करने तो हम यहाँ वन लिखेंगे क्योंकि पहला जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है पॉजिटिव वो वन होता है और वन के बाद क्या आना चाहिए थ्री आना चाहिए ठीक है टू टू का इंक्रीमेंट होगा थ्री के बाद फाइव तो इंक्रीमेंट तो हम सेम रखेंगे ई नंबर वाले प्रोग्राम से अगर कंपेरिजन करें तो लेकिन स्टार्ट वैल्यू चेंज कर देंगे स्टार्ट वैल्यू वन कर देंगे क्योंकि ऑर्डर नंबर में टू को ऐड करेंगे तो ऑड ही मिलेगा ठीक है तो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन कितना कि ये सब ऑड नंबर्स मिलेंगे तो ये सब नंबर प्रिंट हो जाएंगे देखिए बाकी प्रोग्राम सब पिछली जैसा ही है बस ये क्या है कि एक गिविन नंबर तक आपको जितने भी ऑड नंबर्स उस रेंज के अंदर आ रहे हैं वो सभी प्रिंट हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम वन ठीक है तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें इंटर एनी नंबर हमने मेंशन की वैल्यू टेन तो टेन तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे वो कौन कौन पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे और कौन कौन से वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये सब प्रिंट हो जाएंगे आपके क्लियर आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा तो ये देखिए ये तीनों प्रोग्राम आपके काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है आपको फर्स्ट समझ में आ गया तो सेकंड और थर्ड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्लियर एक प्रोग्राम और करते हैं थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम करते हैं अभी आपको क्या करना है टेबल प्रिंट करनी है किसी नंबर की तो टेबल प्रिंट कैसे होती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव की अगर मुझे टेबल प्रिंट करनी है तो क्या प्रिंट होगा पहले होगा फाइव इंटू वन फाइव फाइव इंटू टू टेन फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन ऐसे टेबल प्रिंट होगी और लाइन भी चेंज करनी होती है उसमें तो ठीक है तो पहले हम एक नंबर इनपुट कराएंगे जिसकी मुझे टेबल प्रिंट करनी है ठीक है फिर एक मैसेज प्रिंट करा दिया मैंने इस नंबर के हम टेबल प्रिंट करने जा रहे हैं तो टेबल ऑफ ये मैसेज आ प्रिंट हो जाएगा नम की वैल्यू जो भी हम यहाँ हमने नम की वैल्यू मान लीजिए फाइव ली या टेन लिए वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी क्योंकि एक वेरिएबल है इस डबल कोर्स के अंदर लिखा है तो ये एक मैसेज है ये भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा तो जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं नंबर मैसेज आता लिखा हुआ और हम वैल्यू देते हैं फाइव तो नेक्स्ट लाइन आएगी टेबल ऑफ फाइव इज क्लियर यहाँ लूप चलाएंगे तो अब ये समझ लीजिए कैसे लूप चलाएंगे देखिए फाइव में पहले किसका मल्टीप्लाई होगा वन का फिर किसका मल्टीप्लाई होगा टू का फिर किसका मल्टीप्लाई होगा थ्री का फिर किसका मल्टीप्लाई होगा फोर का तो ये नंबर तो फिक्स है लेकिन ये चेंज हो रहा है वन टू थ्री फोर और इसके अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज हो रहा है है कि नहीं ठीक तो ये चेंज हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भाई ये कहाँ कहाँ से आएगा ये वन से स्टार्ट होगा और लास्ट टेन तक जाएगा तो इसके लिए हम लूप चला देते हैं लूप रन कराते हैं तो हमने लिखा फॉर ए इन रेंज वन टू अलेवन क्योंकि टेन लास्ट वैल्यू है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है पर्टिकुलर नंबर को तो हमने वन से अलेवन तक लिखा इंक्रीमेंट कितने का है वन का है तो हम यहाँ वन कॉमा एलेवन कॉमा वन ये लिखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएंगी हमें वन टू थ्री फोर फाइव जो चेंज हो रहा है क्योंकि ना तो ये फर्स्ट वैल्यू चेंज हो रही है और ये लास्ट वैल्यू है ये तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो ये तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा आपका अब हम प्रिंट क्या कराना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मान लीजिए मुझे इसी इसी तरीके से प्रिंट कराना है फाइव क्रॉस वन इजल टू फाइव ये लिखा जाए पहली लाइन में दूसरी लाइन में ये लिखा जाए फाइव क्रॉस टू इज ईगल टू टेन तो ये फाइव क्या है ये तो नंबर है नम इसको हम नहीं जानते ये तो एक वेरिएबल है जो भी वेरिएबल देंगे उसका उसके अकॉर्डिंग ही टेबल प्रिंट होगी उसी की टेबल प्रिंट होगी ठीक है तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नम की वैल्यू फाइव है लेकिन मुझे नहीं मालूम है फाइव भी दे सकते हैं सिक्स भी दे सकते हैं वो तो इनपुट के टाइम पर डिसाइड होगा कि आप क्या नंबर किस नंबर की टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं ठीक है थी? तो हम लिखेंगे प्रिंट नम तो नम की जो भी वैल्यू होगी फाइव सिक्स सेवन एट वो नंबर आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ फिर सिंगल कोर्ट्स के अंदर या डबल कोर्ट्स के अंदर आप मैसेज चॉइस आपकी क्योंकि स्ट्रिंग को दोनों के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है हम एक मैसेज प्रिंट करा दिया मैसेज में मैंने क्या प्रिंट करा दिया क्रॉस का सिंबल प्रिंट करा दिया फिर एक वेरिएबल प्रिंट करा दिया वेरिएबल क्या ए ए क्या है ये लूप का वेरिएबल है वन टू थ्री फोर फाइव जिसकी वैल्यूज़ है पहले जो वैल्यू होगी वन फिर होगी टू तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए की वैल्यू वन होगी तो वन यहाँ पर आ जाएगा और इक्वल टू क्या प्रिंट करा दिया मैंने इक्वल टू भी एक मैसेज ही है डबल कोर्स के अंदर दे रखा है तो ये भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आंसर प्रिंट होगा नम इन टू ए ये देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो नम की जो भी वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल फाइव वैल्यू है तो फाइव का वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ फाइव प्रिंट हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या प्रिंट हो जाएगा फाइव इंटू वन इजिकल टू फाइव ये प्रिंट हो जाएगा मैसेज मैं तो बताता हूँ आपको मैसेज प्रिंट होगा ये अगर नंबर नम की वैल्यू फाइव है तो फाइव क्रॉस वन इजिकल टू फाइव दोबारा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी अभी वंथ तो नेक्स्ट टाइम बाकी तो सब अनचेंज रहेगा बस एक की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अब की वैल्यू चेंज होकर टू हो जाएगी तो फाइव इंटू टू टेन प्रिंट हो जाएगा फिर दो तो थर्ड टाइम पर जब वैल्यू प्रिंट चेंज होगी तो ये थ्री हो जाएगी तो फाइव इंटू थ्री 15 हो जाएगा तो इस तरीके से वैल्यू चेंज होती रहेंगी और आपका टेबल प्रिंट हो जाएगी तो इस तरीके से आउटपुट आएगा देखिए सबसे पहले मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर यहाँ पर मैंने नंबर दीजिए सिक्स उसके बाद मैसेज आएगा टेबल ऑफ सिक्स इज़ उसके बाद हल देखिए लाइन क्यों चेंज हो रही है क्योंकि इस बार हमने एंड इक्वल टू स्पेस प्रिंट नहीं किया हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया और जैसे मैंने बताया प्रिंट स्टेटमेंट जितनी बार एग्जीक्यूट होगा लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है तो लाइन हर बार चेंज होगी और लास्ट टाइम ये ए इज टू टेन के लिए चलेगा तो लास्ट वैल्यू जो होगी सिक्स इंटू टेन सिक्सटी प्रिंट हो जाएगी तो ये एक टेबल का प्रोग्राम था आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा देखिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रोग्राम को रन करा के देखना होगा थोड़ा पढ़ना होगा बुक में और वीडियो को एक बार और समझना होगा देखना होगा आपको तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रोग्राम्स को करेंगे इसी तरीके से फॉल्टुक से रिलेटेड ठीक है तो आपको आ, और इसका क्लियर आईटी हो जाएगा और फिर उसके बाद वाइल्यू So now thanks for watching this video.